न्यूअर टॉपिक एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स के अंदर अभी तक अपन ने कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लिए, तीन लेसन डिस्कस कर लिए। उन तीन लेसन के अंदर अपन ने सबसे पहले एरिया ऑफ सर्कल्स के बारे में बात करी, पैरीमीटर सर्कमफेरेंस के रिलेटेड अपन ने कुछ चीजों को देखा। दूसरे वाले लेसन के अंदर अपन ने एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेगमेंट, माइनर और मेजर सेगमेंट के बारे में बात करी, जहां पर अपन ने उनसे रिलेटेड क्वेश्चन को डिस्कस किया। और थर्ड वाले लेसन में उसी टॉपिक को कुछ एप्लीकेशन के साथ अपन ने कंटिन्यू किया। अब अपन आगे नए टॉपिक को शुरू करने वाले हमारे लेसन नंबर 4 में, जो हमारा नया टॉपिक क्या इंडिकेट करके देता है हमारे पास, एरिया ऑफ कॉम्बिनेशनल फिगर्स, कॉम्बिनेशनल प्लेन फिगर्स के बारे में अपन बात करेंगे ऑन द बिहाफ ऑफ डॉक्टर गौरव विजय। ध्यान से देखिएगा बच्चों, आप लोगों का बहुत अच्छे रेस्पॉन्स के रेस्पेक्ट में अपन लोगों ने चैप्टर टू चैप्टर चीजों को लेकर के आप लोगों के सामने आ रहे हैं। हम यहाँ पर आप लोगों के लिए नए नए क्वेश्चंस, नए नए प्रोफाइल्स, और जैसा कि क्लास के अंदर हमारे पास चीजें डिस्कस की जाती है उसी बेसिस पर अपन यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं पर पीरियड की फॉर्मेट में। जैसे अपन फर्स्ट पीरियड के अंदर अगर हमारा 1 आवर का लेक्चर है और अपन 1 आवर में क्या क्या चीजें डिस्कस कर लेते हैं, वो सब चीजें अपन ने यहाँ पर लेसन नंबर 1 में डिस्कस करी। फिर लेसन नंबर 2 में उन्हीं पॉइंट ऑफ व्यू को आगे की तरफ बढ़ाया। फिर 3 एंड देन 4, आप लोग भी उसी टाइप से अपने नोट्स को प्रिपेयर करते चले जाइए और उनको कंटिन्यू करते चले जाइए। Now, अब अपन लेसन नंबर 4 के ऊपर आए, एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर। यहां पर अपन देखेंगे, कैलकुलेट करेंगे किसका, एरिया ऑफ सम कॉम्बिनेशन ऑफ द प्लेन फिगर्स के बारे में। एरिया किसका, कॉम्बिनेशन ऑफ द प्लेन फिगर्स। प्लेन फिगर्स मतलब हमारे पास कोई भी फिगर दे रखा होगा, जैसे सर्कल है, उस सर्कल के अंदर कुछ पार्टीशंस कर रखे होंगे और मुझसे बोलेगा फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, मुझे शेडेड रीजन का एरिया उसके अंदर निकालना होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस के अंदर अपन किसको यूज करते हैं, यहाँ पर यूज किया जाएगा। अलग अलग डिजाइनिंग हमारे पास यहाँ पर आएंगी, जैसे फ्लावर बेड की डिजाइन आ गई, मतलब कोई भी हमारा कवर है उस कवर के अंदर इतनी जगह पर हमारा फ्लावर बेड डिजाइन हो रहा है, बताओ कितने एरिया के अंदर हमारा वो डिजाइनिंग कंप्लीट हुई है, तो वो अपन को निकालने वाले क्वेश्चंस। विंडो की डिजाइन, जैसे खिड़कियों के ऊपर अपन पास अलग अलग डिजाइन होती है, उन डिजाइन में कितना एरिया उस विंडो को कवर कर रखा है, जैसे एक रेक्टेंगल है, उस रेक्टेंगल के अंदर कुछ सर्कल वाला पार्ट अपना आ रहा है, डिजाइन के अंदर आ रहा है, तो वो चीज हमारे पास विंडो डिजाइन के अंदर आएगा। या फिर ड्रेन कवर्स की फॉर्मेट में, या फिर डिजाइन ऑफ टेबल कवर्स की फॉर्मेट में, जहां पर अपन ने प्रीवियस लेसन के अंदर एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, एक सर्कल था, उस सर्कल के अंदर अपन ने कॉर्नर्स पे डिजाइन की थी जो इक्वल सेक्टर्स की फॉर्मेट में डिवाइड हो रहा था, याद होगा आप लोगों को, लास्ट क्वेश्चन अपन ने वो डिस्कस किया था। उन सब चीजों को अपन यहाँ पर डिजाइनिंग की फॉर्मेट में लेंगे और कुछ शेडेड रीजंस के बारे में अपन यहाँ पर क्या करेंगे, बात करेंगे। दिस इज द वे, दिस इज द ओपिनियन, दिस इज द टारगेट इन विच दिस टॉपिक कैन बी कन्वर्टेड, अपन अलग अलग प्रोफाइल को डिस्कस करेंगे। नाउ वी हैव टू स्टार्ट अवर प्रोफाइल्स बाय यूजिंग डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन। ध्यान से उन क्वेश्चन को देखिएगा कैसे वो क्वेश्चन को परफॉर्म किया जा रहा है, उनकी एप्लीकेशन कैसी है। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखिएगा ध्यान से, AB is the diameter of the circle. ये पूरा एक सर्कल है जिसके अंदर ये सेंटर हो गया हमारा कौन सा हो, AB is the diameter of the circle, ये फिगर में ले रखा है। AC हमारे पास दे रखा है कितना, 6 सेंटीमीटर, AC की वैल्यू है हमारे पास कितनी, 6 सेंटीमीटर, ये हमारे पास यहाँ पर गिवन है। BC हमारा 8 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर हमारे पास यहाँ से हमारा ये डेटा गिवन है, 8 सेंटीमीटर ये अपने पास है। द एरिया, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, मुझे एरिया बताना है किसका, हमारे शेडेड रीजन का। अब शेडेड रीजन कौन सा, ये जो पूरा का पूरा शेडेड रीजन है, इसका मुझसे क्या पूछा है, एरिया पूछा है। ये शेडेड रीजन इसका पूरा का क्या पूछा है, एरिया मुझसे डिस्कस किया गया, पूछा गया। तो अब अपन क्या करेंगे, ये पूरा का पूरा एक सर्कल है, उस सर्कल में से अगर मैं इस ट्रायंगल को हटा दूं तो मेरे पास ये शेडेड रीजन का एरिया आएगा या नहीं, तो बस अपन वही काम करेंगे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन अगर अपने को निकालना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन के अंदर यूज करेंगे एरिया ऑफ सर्कल, इस एरिया ऑफ सर्कल में से अपन माइनस कर देंगे क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ए सी बी वाला ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, ए सी बी। अब मुझे ए सी बी ट्रायंगल चाहिए, ध्यान से देखो बच्चों, ये वाला एंगल 90 होगा, कोई बता सकता है क्यों एंगल 90 होगा, हाँ एंगल ए सी बी इक्वल्स टू कितना 90, क्योंकि ए बी इज अ डायमीटर ऑफ सर्कल, ए बी क्या है, डायमीटर है, डायमीटर से कोई भी अगर अदर किसी दूसरी साइड पर कोई भी कॉर्ड्स अगर बनती है तो वो कितना एंगल बनाती है, 90 डिग्री बनाती है, ये हमारा कंसेप्ट है, ए बी इज अ डायमीटर ऑफ क्या, सर्कल की फॉर्मेट में, अगर ए बी डायमीटर है तो एंगल ए सी बी कितना होगा, 90। तो अब अपन पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं इसके अंदर डायरेक्टली, ये एंगल 90 हो गया, यहां से अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, ये पूरा का पूरा राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ये एंगल कितना हो गया हमारे पास 90, तो पाइथागोरस थ्योरम अपन अप्लाई कर सकते हैं, पाइथागोरस लगा करके ए बी का स्क्वायर इक्वल्स टू
एसी का स्क्वायर प्लस का क्या कर दिया अपन ने, बीसी का स्क्वायर कर दिया, ठीक है। एबी का स्क्वायर मुझे निकालना है, एसी कितना है मेरा 6 का स्क्वायर प्लस का कितना 8 का स्क्वायर, 36 प्लस का कितना आ गया 64, डेट इज कितना आ गया 100। तो यहां से एबी मुझे मिल गया कितना 10 सेंटीमीटर, डेट इज द वैल्यू ऑफ साइड एबी। क्यों निकाला मैंने साइड एबी, क्योंकि अपन जानते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल के अंदर, एरिया ऑफ ट्रायंगल जब मुझे चाहिए होगा यहां पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी बी, ये कितना होगा हाफ ऑफ बेस इंटू कितना हाइट। व्हाट इज बेस हियर, बेस कितना हमारे पास ये वाला बेस, और हाइट कितनी ये हमारे पास हाइट, बट ये मेरे सर्कल के एरिया के अंदर रेडियस वाला काम करेगा, उस रेडियस को यूज करने के लिए अपन ने यहां पर इसको यूज किया है। तो हाफ बेस तो हमारा 6 है और हाइट हमारे पास कितनी है 8 है, 6 मल्टीप्लाई बाय 8, 2 3 जा 6 8 3 जा कितना 24 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया। अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना बहुत आसान आ गया, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन के एरिया के अंदर सीधी वैल्यू प्लेस कर देंगे हमारा रिजल्ट आ जाएगा। एरिया ऑफ सर्कल कितना पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर माइनस कितना 24 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास है। पाई की वैल्यू बोला है क्वेश्चन में 3.14 प्लेस करो। रेडियस, रेडियस जो एबी निकाला है उसका हाफ कर लो क्योंकि डायमीटर अपन निकाल चुके हैं, तो टैन का हाफ कितना हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय कितना 5 माइनस का कितना कर देंगे 24 कर दिया जाएगा। दिस इज द वे हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन। अब हमारे पास इसको सॉल्व करने के लिए आंसर आ जाएगा कितना 54.5, सॉल्व कर लो इसको कितना आ जाएगा 54.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है जी आ जाएगा 78.570, इसको इसमें से माइनस कर दो तो 54.5 हमारे पास क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन। कोई दिक्कत नहीं थी, पूरे सर्कल में से सिर्फ ट्रायंगल को हटा दो, ट्रायंगल को हटा देंगे तो हमारे पास शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। यही हमारा प्रोसेस होगा किसको सॉल्व करने के लिए, शेडेड रीजन के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ध्यान रखिएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखिएगा ध्यान से, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन एज शो, मुझे शेडेड रीजन का एरिया बताना है जो यहां दिखा रखा है। वेयर, जो भी हमारे आर्क्स बन रहे हैं ड्रॉन विद सेंटर ए बी सी और डी से, जो भी हमारे आर्क बन रहे हैं, ये हमारा आर्क बन रहा है, ये हमारे आर्क बन रहे हैं ए बी सी डी से, इंटरसेक्ट इन पेयर्स एट द मिड पॉइंट, इंटरसेक्ट कर रहे हैं कहां पर, मिड पॉइंट पर, ए बी का मिड पॉइंट है ये, इसका ये है, इसका मिड पॉइंट ये है और इसका मिड पॉइंट हमारे पास ये दे रखा है, ऑफ ए बी बी सी सी डी और डी ए पर रेस्पेक्टिवली, ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी, जहां पर हमारा स्क्वायर है कितना ए बी सी डी। अब मुझे शेडेड एरिया का निकालना है, तो एरिया ध्यान से दिख रहा होगा आपको, एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है। इस शेडेड रीजन के एरिया के अंदर अपन कर सकते हैं क्या, पहले स्क्वायर का एरिया निकाल लो और उस स्क्वायर में से ये 1 2 3 4 दिख रहा है, ये चार सेक्टर्स की फॉर्मेट है, देखो ध्यान से ये सेक्टर्स की दिख रहे हैं हमारे पास, तो एक सेक्टर ये हमारा दूसरा सेक्टर आ जाएगा, ये तीसरा और ऐसा कैसा चौथा सेक्टर, सेक्टर हम लोग जानते हैं ये देखिए ये पूरा पूरा सेक्टर होता है जिसके अंदर जब स्क्वायर होता है तो स्क्वायर के अंदर ईच एंगल कितना होता है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री आ जाएगा। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन मतलब एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर के में से माइनस कर देंगे अपन क्या, एरिया ऑफ फोर सेक्टर्स को अपन क्या कर देंगे माइनस कर दिया जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा। अब एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है बच्चों, साइड स्क्वायर हमारे पास होता है माइनस, चार सेक्टर है यानी 4 और एक सेक्टर का कितना होता है थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय कितना पाई आर स्क्वायर होता है या नहीं। साइड कितनी है हमारे पास, साइड कितनी दे रही है 12 दे रही है, तो 12 का यहां पर क्या कर देंगे स्क्वायर 4 इंटू थीटा की वैल्यू कितनी 90 डिग्री अपॉन में कितना 360 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू 22 बाय कितना 7 या 3.14 भी रख सकते हो, 3.14 मल्टीप्लाई बाय आर रेडियस। अगर ये पूरा 12 है तो आधा कितना हो गया हमारे पास, हाँ 6 हो गया, तो 6 मल्टीप्लाई बाय कितना कर देंगे 6, 4 9 36 से 36 कैंसिल आउट हो गया पूरा, 12 से कितना आ गया 144 माइनस 3.14 6 इंटू 6 कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा टोटल 20, ये हमारे पास टोटल मल्टीप्लाई कर देंगे 144 माइनस 3.14 मल्टीप्लाई बाय कितना 36 अपन ने यहां पर कर दिया, ठीक है गॉट इट, 3.14 को 36 से मल्टीप्लाई कर देंगे हमारे पास क्या आ जाएगा 113.04 हमारे पास इसका आ जाएगा, तो 144 माइनस 113.04 हमारे पास इसको मल्टीप्लाई कर दिया गया।
अब 144 में से इतना माइनस कर देंगे हमारे पास कितना जाएगा 30.96 हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर किसका एरिया आ जाएगा, शेडेड रीजन का। जो शेडेड रीजन अपन यहाँ पर इसको इंडिकेट करना चाह रहे हैं वो शेडेड रीजन का एरिया अपन डिटरमाइन कर सकते हैं। दिस इज द वे हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन। बहुत इजी था, सिर्फ स्क्वायर में से अपने को ये 1, 2, 3, 4 सेक्टर को माइनस करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। बाकी सारे डायमेंशन मुझे क्वेश्चन में गिवन है, इजी गोइंग में अपन उसको अप्लाई कर लेंगे। नाउ द सेम पैटर्न क्वेश्चन जो अपन ने प्रीवियस वाला डिस्कस किया, सिर्फ डिजाइनिंग चेंज हो गई है। क्या कह रहा है, थ्री सर्कल्स ईच ऑफ रेडियस 3.5, तीन सर्कल है, हर एक का रेडियस कितना है 3.5 सेंटीमीटर है, इसका भी कितना है 3.5 है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस भी हमारे पास कितनी है 3.5 है, ये भी हमारा 3.5 है, ऐसे हमारे पास सब चीजें 3.5 की फॉर्मेट में ले रखी है। थ्री सर्कल्स ईच ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर आर ड्रॉन इन सच अ वे दैट ईच ऑफ देम टचेस, हर कोई एक दूसरे को टच कर रहा है, टचेस द अदर टू, फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन दीज सर्कल्स। यानी ये ट्रायंगल बना रहा है, ट्रायंगल के अंदर सबसे पहले अपन ने साइड देख ली, ए बी को निकालेंगे तो 3.5 प्लस 3.5 करेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर आएगा नहीं। सिमिलरली बीसी भी वही है 3.5 है तो बीसी भी आ गया। सिमिलरली हमारा एसी भी उसी तरीके से 3.5 प्लस 3.5 कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब तीनों साइडें बराबर होगी, देयरफॉर ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये हमारे पास क्या हो गया, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। सबसे पहले तो इक्विलेटरल ट्रायंगल अपन ने ले लिया। अब ध्यान से देखिए, इस ट्रायंगल में से 1, 2, 3 अगर ये सेक्टर माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, मुझे एरिया निकालना है किसका, शेडेड रीजन का। शेडेड रीजन के एरिया के लिए अपन ने क्या किया, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा ए बी सी माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय, या फिर डायरेक्टली कर सकते हो एरिया ऑफ 3 सेक्टर, एरिया ऑफ 3 सेक्टर, तीन सेक्टर के एरिया को मुझे माइनस करना है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो चुका है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कितना होता है √3/4 और यहां कितना साइड स्क्वायर होता है तो साइड स्क्वायर कर देंगे माइनस एरिया ऑफ थ्री सेक्टर θ/360° मल्टीप्लाई बाय कितना πr² और इसको अपन 3 से मल्टीप्लाई भी कर दे क्योंकि कितने चाहिए 3 सेक्टर्स चाहिए। अब क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है यानी ईच एंगल कितना होगा हमारा 60 डिग्री का होगा हर एक का, ये भी 60 ये भी 60 और ये भी कितना 60 हो जाएगा √3/4। साइड कितनी है यहाँ पर, ए बी की साइड कितनी थी 7, तो 7 इंटू कितना कर दिया अपन ने 7 साइड का स्क्वायर अपन ने यहाँ पर मेंशन कर दिया माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय थीटा कितना है 60° अपॉन में कितना 360° मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू कुछ नहीं बोली 22 बाय कितना 7 और रेडियस, रेडियस कितना है हमारे पास यहाँ पर ध्यान से देखो ये कितना है 3.5 तो 3.5 मल्टीप्लाई बाय क्या कर देंगे अपन 3.5 यहाँ मेंशन कर देंगे। अब 7 जा कितना 49 √3 अपॉन में 4 तो ये आ गया माइनस 3 6 18 180 को अगर अपन इससे मल्टीप्लाई माइनस करें 180 into 360 कितना 36 2 से कैंसिल 2 11 टाइम्स ये कैंसिल 7 5 0.5 टाइम्स ये कैंसिल क्या बचा 11 into 5 into 35 इन दोनों का डेसिमल 10 इधर शिफ्ट कर दिया और 10 इधर शिफ्ट कर दिया 5 2 10 5 7 35 और 5 2 10 अकेला वापस से हमारे पास यहां पर आ गया 49 √3 अपॉन में कितना 4 इसको सॉल्व कर लेंगे 21 पॉइंट कितना आ जाएगा 19 माइनस 11 7 77 बाय कितना 4 हमारे पास आ गया 21.9 में से 77.54 को अगर अपन माइनस करेंगे हमारा आ जाएगा 1.93 सेंटीमीटर स्क्वायर दैट इज द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। जो एरिया अपन चाहते थे वो एरिया अपन ने यहां से निकाल लिया। गॉट इट, चीज बहुत आसान थी। पहले ट्रायंगल का एरिया निकाला, ट्रायंगल में से 1, 2, 3 तीन सेक्टर्स को अपन माइनस कर देंगे तो 3 से मल्टीप्लाई कर लिया एक सेक्टर का निकाल करके और हमारा रिजल्ट आ गया। दिस इज द वे हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन के क्वेश्चन को कैसे किया जाता है। नाउ अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ध्यान से देखिएगा क्या है। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, इस शेडेड रीजन का एरिया निकालना है, फ्लावर की तरह दिखाई दे रहा है शेडेड रीजन एज शोन वेयर एबीसीडी इज ए स्क्वायर, एबीसीडी हमारे पास पूरा क्या है स्क्वायर है ऑफ साइड जिसकी साइड कितनी है 12 सेंटीमीटर हमारे पास साइड गिवन है एंड सेमी सर्कुलर सर्कल्स आर ड्रॉन और सेमी सर्कल्स बना रखे, एक सर्कल ये रहा एक सर्कल ये रहा, एक सर्कल यहां पर है और एक सर्कल ऊपर की तरफ है।
विद ईच साइड ऑफ द स्क्वायर, हर स्क्वायर की साइड से एक एक सेमी सर्कल अपन ने बना रखा है, एज डायमीटर की फॉर्मेट में वो काम करेगा। पाई की वैल्यू 3.14 गिवन है। अब ध्यान से मुझे शेडेड एरिया का निकालना है। सबसे पहली बात, इसको मैंने डिवाइड कर दिया, इसको फर्स्ट पार्ट बोल दिया, इसको सेकंड, इसको थर्ड और इसको फोर्थ पार्ट कह दिया। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, अपन ने चार पार्ट मान लिया। अब ध्यान देना, सबसे पहले इस एरिया इसका मुझे अगर इन दोनों का फर्स्ट पार्ट का एरिया और थर्ड पार्ट का एरिया निकालना है, या फिर पहले मैं शेडेड का बोल देता हूं, एरिया ऑफ अगर मुझे निकालना है किसका, शेडेड रीजन का, बस। तो टोटल एरिया शेडेड रीजन का कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ स्क्वायर, पहले पूरे स्क्वायर का एरिया निकाल लेंगे और उसमें से माइनस कर देंगे अपन कितना, टू टाइम्स ये सारे एरियाज को, एरिया ऑफ फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड और प्लस फोर्थ, इन चारों एरियाज को निकाल करके इनको इसमें से माइनस कर दिया जाएगा, तो हमारे पास एरिया किसका आ जाएगा, शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। अब देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहले एरिया निकालने का तरीका देखिएगा, पहले मैं सेमी सर्कल का एरिया निकाल लेता हूं। सारे सेमी सर्कल बन रहे हैं तो एक बार एक सेमी सर्कल का एरिया निकाल लिया, एरिया ऑफ सेमी सर्कल में फाइंड आउट कर लेता हूं। व्हाट इज द एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सर्कल का होता है पाई आर स्क्वायर, उसका हाफ कर दो तो कितना हो जाएगा, 1/2 पाई आर स्क्वायर, 1/2 पाई की वैल्यू 3.14 प्लेस करनी है। और रेडियस कितना, ये पूरा 12 है, इसका आधा कितना, 6 मल्टीप्लाई बाय कितना, 6 अपन ने यहां पर कर दिया आ जाएगा, क्योंकि ये टोटल 12 है, मुझे तो सेमी सर्कल आधा चाहिए, आधा कितना मतलब ये तो डायमीटर हो गई ना, 6 आ गया, 2 से 3 टाइम्स हमारा कैंसिल आउट हो गया। यहां से जब मैं एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकालूंगा तो आ जाएगा 56, इसको सॉल्व करने पर आ जाएगा 56.52 सेंटीमीटर स्क्वायर, हमारे पास क्या आ गया, एरिया आ गया सेमी सर्कल। अब सबसे पहले एरिया निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ फर्स्ट प्लस थर्ड का, फर्स्ट और थर्ड का एरिया निकाल लेता हूं। ध्यान से देखना, फर्स्ट और थर्ड का एरिया कैसे निकलेगा, इस स्क्वायर में से ये सेकंड और फोर्थ वाले पार्ट को हटा दो, मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट हटा दो, तो जो बचेगा वो फर्स्ट और थर्ड का ही बचेगा। ध्यान से देखना, मुझे फर्स्ट और थर्ड का एरिया निकालना है, उसमें से मैं स्क्वायर, पूरे स्क्वायर में से ये फोर्थ वाला और ये थर्ड वाला पार्ट माइनस कर देता हूं, तो देखना कैसे करना है। एरिया ऑफ फर्स्ट और थर्ड निकालना है तो एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर में से माइनस कर देंगे अपन एरिया ऑफ टू सेमी सर्कल्स, दो सेमी सर्कल्स को अपन क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो एरिया ऑफ स्क्वायर हमारे पास कितना है, 12, साइड कितनी है 12, तो 12 का स्क्वायर 12 हो जाएगा, माइनस का टू सेमी सर्कल्स है तो 2 × 56.52 अपन यहां पर कर सकते हैं, तो 2 × 56.52 कर देंगे। अब इसको अपन 144 माइनस 56.52, ठीक है, तो 144 माइनस 22 जा कितना हो गया हमारा 4, 25 जा कितना 10 कैरी, 26 जा 12 और ये कितना 13, 25 जा 10 और कितना 11, 113.04 अपन ने माइनस कर दिया, तो हमारा आ गया 30.96 हमारे पास यहां से इसका आ जाएगा 30.96 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिमिलरली दूसरे वाले का भी यही होगा, क्योंकि उसमें भी यही करेंगे, डायमेंशन थोड़ी चेंज है। सिमिलरली एरिया ऑफ सेकेंड और फोर्थ का निकालेंगे, उसका भी आएगा 30.96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑब्वियसली बात है, क्योंकि इन दोनों का जब निकालूंगा तब ये दोनों माइनस करने पड़ेंगे। अब टोटल वाले के अंदर डाल दो, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया किसका, शेडेड रीजन का निकालना है, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल्स टू एरिया ऑफ स्क्वायर, वही साइड स्क्वायर, यानी कितना 12 का स्क्वायर कर देंगे, 12 का स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ इन सबका, कितना आया 30.96 पहले वालों को आया था, प्लस का 30.96 हमारा वापस से वही आया, टोटल 144 में से इन दोनों को माइनस कर देंगे हमारा, तो आ जाएगा 82.08 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज द फाइनल एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। आ गया, पहले मैंने फर्स्ट और थर्ड का निकाला, और फिर टोटल पहले तो जैसे शेडेड डिजाइन का निकालना है, इन सारे डिजाइन का निकालना है, तो पहले स्क्वायर में से इन सबका एरिया को माइनस करना है, ये मेरा टारगेट हो गया। फर्स्ट और थर्ड का निकालने के लिए मैंने पूरे स्क्वायर में से सेकंड और फोर्थ के एरिया को माइनस कर दिया, जब सेकंड और फोर्थ को निकालना था तो फर्स्ट और थर्ड को माइनस कर दिया, फिर वही दोनों को ऐड कर दिया, मतलब चारों ऐड हो गए और हमारा क्या आ गया, रिजल्ट आ गया। दैट इज अ वे टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ शेडेड रीजन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, फाइंड द पैरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन, शेडेड रीजन का पैरीमीटर निकालना है, कौन कौन से दे रखे हैं, वेयर एडीसी एईबी एंड डीएफसी आर द सेमी सर्कल, ये सब के सब क्या हमारे सेमी सर्कल्स हैं।
ऑन डायमीटर एसी, किस डायमीटर पर? एसी के डायमीटर पर, एबी के डायमीटर पर और बीसी के डायमीटर पर, अलग अलग डायमीटर्स की फॉर्मेट में। तो मुझे एरिया निकालना है, सॉरी पैरीमीटर निकालना है। पैरीमीटर किसका निकालना है? शेडेड रीजन का, पैरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन। इस शेडेड रीजन के पैरीमीटर के लिए अपन ने क्या करेंगे, सारा का सारा वो का वही सेम, पहले पैरीमीटर निकाल लेंगे किसका, बड़े वाले का, पैरीमीटर ऑफ किसका, एडीसी का, एडीसी का पैरीमीटर प्लस पैरीमीटर ऑफ किसका, बीएफसी का या फिर एईबी का निकाल लेंगे, एईबी प्लस किसका कर देंगे, बीएफ और सी, इसका भी पैरीमीटर निकाल लेंगे। सबके पैरीमीटर को ऐड कर दो, हमारा आ जाएगा पैरीमीटर कैसे निकालते हैं, पूरा सर्कमफेरेंस होता है कितना, 2πr, हाफ कितना हो जाएगा, पाई इंटू आर। इस पूरे का डायमीटर ये यहां से यहां तक का 2.8 प्लस का कितना 1.4, तो टोटल आर चार कितना 12, 2, 3, 4.2 सेंटीमीटर आ गया। इस 4.2 सेंटीमीटर का हाफ कर लो तो कितना आ जाएगा, 2.1 आ जाएगा। प्लस AEB का करेंगे तो वही पाई, और हमारे पास 1. क्या आ जाएगा, 4, प्लस दूसरे वाले का पाई और 0.7 हमारे पास किसका आ जाएगा, तीसरे वाले का आ जाएगा। 1.4 इसका, 0.7 इसका, पाई सबका कॉमन ले लो जो कि कितना है 22/7, क्योंकि कुछ नहीं बोला, 2.1 प्लस का 1.4 प्लस का 0.7, 22/7 और 7, 8, 8, 4 कितने, 12, 1, 2, 2, 4, 4.2 हमारे पास जाएगा, 7, 6 कितना होता है 42, 6, 2 कितना 12, 6, 12 कितना 13, 13.2 सेंटीमीटर हमारे पास क्या आ जाएगा, पैरीमीटर। दिस इज द वे हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ द शेडेड रीजन। ये अपन ने 5 अलग अलग प्रोफाइल को डिस्कस किया, पहले 4 प्रोफाइल्स के अंदर अपन ने एरियाज के बारे में बात करी और लास्ट वाले के अंदर अपन ने पैरीमीटर डिस्कस किया। पैरीमीटर के अंदर लास्ट वाले में क्या था, ये शेडेड नहीं था तो ये वाला पार्ट इसके अंदर कंसिडर नहीं किया है, इसलिए ऊपर ऊपर का ये सारे का सारा ये सब चीजें मैंने इसके अंदर आर्क की फॉर्मेट में कंसिडर कर ली है, मतलब वो पैरीमीटर की फॉर्मेट में हमारे पास आ गया है और सब रिजल्ट हमने इंडिकेट कर दिया 13.2 सेंटीमीटर। दिस इज द वे हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, एंड द टॉपिक नेम इज एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स विद एरिया ऑफ द कॉम्बिनेशनल फिगर्स। देखो अलग अलग कॉम्बिनेशन की फॉर्मेट में चीजें थी, उनको अपन ने किस तरीके से फिगर्स की फॉर्मेट में सॉल्व किया। थैंक यू सो मच। अगर आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे अपन एक लेसन और इसके अंदर डिस्कस कर सकते हैं, लेसन नंबर 5, जिसके अंदर अपन और अनडिटरमाइंड फिगर्स को लेकर के आएंगे जिनका अपन को शेडेड रीजन का एरिया निकालना होगा। आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी उसके अंदर मैं कराऊंगा, तो ध्यान से उसके लिए बने रहिए, लाइक एंड सब्सक्राइब करिए ताकि आपका काम ईजी गोइंग में हो जाए। थैंक यू सो मच।